आज मैं आपको फलूदा बना के बताऊंगी। ये रोज फ्लेवर का फलूदा है, ये इंस्टेंट बनने वाला फलूदा है। ये मैंने पैकेट खरीदा था, तो ये पैकेट जो मैंने लिया वो बहुत ही 75 रुपीज का पड़ा। अगर आपको कभी मेहमान आ जाते हैं, इंस्टेंट आपको फलूदा बनाना है, तो आप ये फलूदा बना सकते हैं। बहुत इजी और बन जाता है, और इसे ठंडा ठंडा अगर पिया जाए तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये फलूदा मैंने किस प्रकार बनाया है, आइए अब हम शुरू करते हैं फलूदा बनाना। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा दाबाई आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको फलूदा किस प्रकार घर में इंस्टेंट बनाएं, क्योंकि कई बार हमें बहुत जल्दी ही बनाना पड़ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है तो गर्मियों में। इस तरह से आप ये एक पैक मिलता है जिसमें सब कुछ मिला हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ये फलूदा है और इस तरह से ये कंपनी का मैं लेके आई हूँ। ये 1 किलो दूध के अंदर इसे बनाना है, और जो भी इसमें बनाने का है वो सब इसमें लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैंने ये 1 किलो दूध लिया है जिसे मैंने बॉईल होने चढ़ा दिया है, और इसको कम से कम 5 मिनट हो गए हैं बॉईल होते हुए। इसके बाद हमें क्या करना है, जो इसमें जितनी भी सामग्री है, ये 1 किलो दूध के हिसाब से ही पैकेट है, तो पूरा हमें इसमें ये डाल देना है। और अब मैं ये जो दूध है इसमें ये पूरा इसमें मैं डाल दूंगी। डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाएंगे, तो पहले मैं इसमें ये पूरा डाल देती हूँ। ये रोज वाले फ्लेवर का है, ये कई फ्लेवर्स के आते हैं, आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं आज आपको ये रोज फ्लेवर वाला फलूदा बताने जा रही हूँ। ये मैंने पूरा इसमें डाल दिया है, इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, और चलाने के बाद इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसी तरह छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छा क्रीमी और गाढ़ा हो जाए। ये जो है कई फ्लेवर में आता है, मैंगो, रोज, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी लाके बना सकते हैं। एक सिंपल भी आता है, तो मैंने अपने चैनल पे सिंपल फलूदा पहले से ही डाल रखा है, अगर आपको वो रेसिपी देखनी है तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगी। और जैसे इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम आंच पर रख देंगे। ये बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम इसी तरह कंटिन्यू चलने देंगे। इसके बाद फिर हम इसे रेफ्रिजरेटर में चिल होने के लिए रखेंगे, लेकिन हम इसे डीप फ्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसे ठंडा करके करने के लिए फ्रीज में रखेंगे। तो अभी हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैंने फ्लेम मीडियम कर दी है, और इसी तरह हम चलने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं इसको इसी तरह बॉईल होते हुए, और ये एकदम गाढ़ा और क्रीमी हो गया है, और हमें इसी तरह चाहिए। और अब हम इसे ठंडा करके इसको फ्रिज में रख देंगे। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये रोज फ्लेवर का फलूदा बनके तैयार है, मैंने इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया है। इसे आप ठंडा ठंडा ही पिए तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। गर्मियों में इसे रोज पिए, या जब भी आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, इसे बना के पिए तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो ये जो मैंने फलूदा बनाया है, देखिए कितना इसका फ्लेवर कितना अच्छा आया है, कलर भी कितना अच्छा है। तो अगर जो ये रेसिपी जो मैंने बनाई है अगर आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा दाबाई, धन्यवाद।